मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पे। अगर बाबा साहब आम्बेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहाँ होते? नाना जी, बाबा साहब कौन थे? बेटा, बाबा साहब बड़े महामानव थे, वो महापुरुष थे। उन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, वो एक बड़ी विचारधारा है। समाज में बिना भेदभाव रहने, पढ़ने और काम करने की विचारधारा है। तो नाना जी, ये बुक मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। उनकी लिखी हुई हर किताब इस देश के हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। देश को न सामाजिक अनटचेबिलिटी चाहिए, देश को न राजनीतिक अनटचेबिलिटी चाहिए। हमने विचारधारा को वोट किया है। और आपने? बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को आदर्श मान इस देश में मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को ही अपना मूल मंत्र बनाया है। इस साथ और इस विकास को मजबूत करें, मोदी जी को वोट करें, मजबूत सरकार को वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर।